नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किल। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज का मुद्दा आज मन से जुड़ा है और एक विचार से जुड़ा है जो सिर्फ बदल दे तो सेहत सुधर जाए। जी हां, 5 देशों में एक रिसर्च हुई है जिसमें सामने आया है कि जब आप माफ करना सीखते हैं तो दिल, दिमाग और सेहत अच्छा रहता है, अच्छी रहती है। हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख ज़रूर आता है और फिर उसी दुख दर्द के जीते हुए लोग निराशा में चले जाते हैं, लेकिन उनको माफ़ नहीं करते, जिसका नुकसान दूसरे को कम, हमको अपने आप को ज़्यादा होता है। रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर कोशिश की जाए तो माफ़ करने का गुण हासिल किया जा सकता है और फिर ज़िंदगी बदली भी जा सकती है और इससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कमी भी आ सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी से नाराज़गी का हमारे मन मस्तिष्क में क्या असर पड़ सकता है, कैसे किसी के धोखे को माफ़ कर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी लाइफस्टाइल है जिससे हमारा माफ़ करने का नेचर बन सकता है, और भी कई मुद्दों पर अपने एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, प्रीति राव, फाउंडर CEO वेलजी इंटीग्रेटिव हेल्थ एक्सपर्ट एंड वेलनेस कोच, डॉक्टर कृति आनंद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट पारस हॉस्पिटल, महर्षि राजेश योगी, फाउंडर आरोग्यम रिसर्च फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। और डॉक्टर कृति, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि माफ़ करना हालांकि सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आप किसी शख्स को माफ़ नहीं कर पाते हैं और एक लाइफ लॉन्ग ग्रज लेकर चलते हैं। और कहीं पर इमोशनल लॉस की बात होती है, कहीं फिज़िकल लॉस, कहीं पर फाइनेंशियल लॉस की बात होती है, अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन आसानी से कह देना कि माफ़ करना एक ऐसा गुण है जो आपको सबसे अलग बनाएगा, सुनने में अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। किसे कहते हैं माफ़ कर देना? सॉरी बोलकर कोई आपसे माफ़ी मांगे उसको माफ़ कर देने को माफ़ी देना कह देते हैं, या बिना सॉरी मांगे भी अगर कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है तब भी उसको माफ़ कर देना, माफ़ी देना कहते हैं? तो फॉरगिवनेस इज बेसिकली एन आर्ट। मतलब बहुत आसान है लोगों को बोल देना कि जिसको माफ कर जाओ या मूव फॉरवर्ड, बट दिस इज बेसिकली अ जर्नी। इट टेक्स बहुत प्रैक्टिस चाहिए है एक किसी को माफ कर देना। आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स इन माय प्रैक्टिस गोइंग थ्रू इमोशनल अब्यूज, गोइंग थ्रू फिजिकल अब्यूज, एंड लेटर ऑन कीपिंग अ ग्रज, एक नफरत, एक घृणा वाली फीलिंग, गुस्सा, हेट्रेड, ये सारी चीजें अपने अंदर वो लेकर बैठते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हम देखते हैं, सब एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी दिक्कतें देखते हैं। फॉरगिवनेस इज बेसिकली अपने लिए है, ये नहीं है कि किसी ने आपसे माफी मांग ली। हाँ, अगर किसी ने माफी मांग ली तो फॉरगिवनेस जरूर आसान हो जाता है करना, बट फॉरगिवनेस अपने लिए है, वो एक आर्ट है जिससे आप एक पीस अपने आप से अटेन करते हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है और आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये एक आर्ट है जो कभी कभार दिन लग जाते हैं या साल भी लग जाते हैं इसको सीखने में, कभी समटाइम्स इट टेक्स इयर्स ऑफ थेरेपी टू फॉरगिव समवन एंड टू बिकम दैट। मतलब इनडिफरेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो हेट्रेड, वो घृणा, वो निकालना अपने दिल से कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए। चलिए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये एक आर्ट है, आर्ट से भी ज़्यादा मुझे लगता है एक ऐसी ज़रूरत है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में, जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे समाज को लेके समझ बढ़ती है, वैसे ही अपने आप को समझने की समझ उनको बढ़ानी होगी। प्रीति, आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वेलनेस कोच हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाना आपकी फिज़िकल हेल्थ पर किस तरह से ट्रांसलेट होता है, ज़रा ये बताएं। धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसपे आप हम सब लोग आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फॉरगिवनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद यू नो आर हेल्थ। जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्लीप, ये सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। अगर हम देखा जाए
बॉडी में एक सिस्टम है जिसका इस सिस्टम को कहा जाता है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पैरासिंपथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम। पैरासिंपथेटिक सिस्टम को कहा जाता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। सिंपथेटिक सिस्टम को कहा जाता है फाइट और फ्लाइट सिस्टम। जब हम कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, और एक्चुअली फॉरगिव ना करना इज ऑल्सो स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, यू नो, स्ट्रेसफुल फॉर समबडी। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज होती है कि हमारी जो सिंपथेटिक सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिवेटेड हो जाता है। तो इस दौरान में आपका सबसे पहले आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, पसीना आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रेन हो जाती हैं, जो हमारा ब्लैडर है वो कंस्ट्रेन हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर है वो डिमिनिश होने लग जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस वो बंद होने लग जाता है। तो इसमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फाइट, मतलब सिचुएशन से फाइट करना, फ्ली करना मतलब भाग जाना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अपने बॉडी को पैरासिंपथेटिक सिस्टम में लेकर आना है। दैट इज मीन try to be in the rest and relaxation phase as much as possible. And our previous expert said this is an art and this requires practice. And I truly believe, मुझे ऐसा लगता है, as a society, हमें success का definition बदल देना चाहिए. Success हम सोचते हैं एक six-pack app है, abs है, marathon भागना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, बड़े आलीशान घर में रहना है. Actually, success का मतलब खुशी है, और खुशी तभी मिल सकती है जब आप में वो क्षमता हो, वो बड़प्पन हो कि आप किसी को माफ कर दें। माफ करना एक वीकनेस नहीं है, एक्चुअली माफ करना एक ग्रेटनेस है। और माफी करने के लिए हमें हमारे अंदर एक एम्पथी और कंपैशन होने की जरूरत है, नो मैटर व्हाट। अगर वो पर्सन बार बार ये करती जाए आपके जिंदगी में, अगर आप उनको माफ कर सकते हैं तो आप, if the idea is कि हमें अपने आप, अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने एवोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और ये कहा जाता है जो लोग इस अपने पर्सनल ग्रोथ और एवोल्यूशन पे फोकस करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूर रहते हैं और ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। थैंक यू योगी जी। आप हमको ये बताएं कि योग के जरिए कैसे इस आदत को आप अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी वेलनेस एक्सपर्ट जो बता रही थी कि माफ करना एक वीकनेस नहीं है, एक हमारी स्ट्रोंगनेस है। तो हम अगर स्ट्रोंग होना चाहते हैं तो उसके लिए योग एक सबसे बेहतर तरीका है। ध्यान हमारे सारे मानसिक समस्याओं का समाधान है। जो व्यक्ति ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं, देखिए ध्यान के दो प्रारूप होते हैं। एक प्रारूप हम अपने जीवन में अनचाहे रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रयोग में भी लाते हैं। जैसे आप ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, ध्यान से खाना खाते हैं, ध्यान से ऑफिस में काम करते हैं, ध्यान से एक गृहिणी घर में खाना बनाती है, घर को मैनेज करती है। तो ये एक नेचुरल रूप है ध्यान का। लेकिन इसी ध्यान की प्रक्रियाओं को जब हम और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्राणिक क्रियाओं से गुजरना होता है, नियमित कुछ अभ्यासों को करना होता है योग के, और हम अपने ध्यान की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जब ध्यान की शक्ति बढ़ेगी तो हमारे जो मानसिक समस्याओं से निपटने का जो एक प्रारूप है वो हमारा तैयार हो जाता है। जैसे माफ करने की बात चल रही है कि हमें किसी ने कुछ कहा और हमें उसकी बात का बुरा लग जाता है, और बुरा लगने पर हम उसे माफ करें या हम उसे उसकी बात को अपने दिमाग में तनाव के रूप में लेकर रात की नींदों को खराब करें, तो दोनों में से ऑप्शन निर्णय व्यक्ति का होता है। और वो निर्णय तभी आप कर पाते हैं जब आपके अंदर क्षमताएं होती है निर्णय लेने की। नहीं तो सामान्य स्थिति में व्यक्ति कोई अपना आपका किसी को कुछ कह देता है, कोई गलत शब्द बोल देता है जो आपको बुरा लग जाता है, और कई बार किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा ही नहीं लगता,
वो स्थिति आपके माइंड की स्थिति होती है, आपकी अपनी स्थिति होती है। तो अपनी स्थिति को हमें बैलेंस करना है, अपनी स्थिति को हमें मैनेज करना है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज हमें बिल्कुल आ रही है, आप समझाएं जी। तो हमें अपनी स्थिति को मैनेज करना है, हमें सामने वाले व्यक्ति को मैनेज नहीं करना, हमें अपने आप को मैनेज करना है। उसके लिए नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, उद्गीत ध्वनि जो ओमकार प्राणायाम है उसका अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक जो एनर्जी का बैलेंस होता है, हार्मोनल बैलेंस रहता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर अगर किसी हमारे अपने व्यक्ति ने कुछ हमें कहा तो हमें ये समझ होती है कि इस समय ये उस स्थिति में नहीं है जो इसकी एक्चुअल स्थिति है, ये किसी प्रेशर में है, तनाव में है, इसलिए हमें ये इसने ये शब्द कहे जो हो सकता है आपको बुरा ना लगे अगर आपकी स्थिति स्ट्रोंग है। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, यही एक मानसिक रोगों से बचने का बहुत अच्छा सरल उपाय है। नियमित रूप से आप प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाएं, आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ आप थोड़ी देर समय बिताएं, सुबह उगते हुए सूर्य को देखें और उसकी लालिमा को, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर धारण करें। सुबह उठकर आप पानी पिए, सबसे पहले निशांते पिबेत वारी, दिनांते पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत चक्रम, वैदस्य किम प्रयोजनम। ये एक हमारा आयुर्वेद का एक फॉर्मूला है, जो व्यक्ति निशा के अंत में सुबह अर्थात रात्रि के अंत में, सुबह के समय जो व्यक्ति पानी पीता है, दोपहर के भोजन के बाद जो छाछ का प्रयोग करता है, लस्सी का प्रयोग करता है, और रात्रि में दिन के अंत में दिनांते पिबेत दुग्धम जो दूध का प्रयोग करता है, दूध पीता है, उस व्यक्ति को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। वैद्यस्य किम प्रयोजनम, उसको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका फिजिकल और मेंटल दोनों चीजें उसकी बैलेंस रहती है। एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह से हम एक बैटरी होती है वैसे हमारी बॉडी भी काम करती है। हमारी बॉडी में अगर हम दो हिस्सों में अपने शरीर को देखते हैं तो राइट हिस्सा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करता है और लेफ्ट हिस्सा हमारा नेगेटिव एनर्जी सर्कुलेट करता है। तो दोनों का बैलेंस जब तक आपका नहीं होगा तो आप किसी ने कुछ कहा उसका आप बुरा मानकर बैठ जाएंगे, तनाव में चले जाएंगे, नींद रात की नींदें आप खराब कर लेंगे, अपने बॉडी के केमिकल इनबैलेंस को आप बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि वो तो तैयार बैठा है। जरा सा कुछ आप ढील छोड़ते हैं अपनी हेल्थ की तरफ से, आप लापरवाही करते हैं अपने खान पान की तरफ से, लापरवाही करते हैं, तुरंत बिगड़ने को तैयार बैठा है। तो आपको हर रोज सुबह के समय उठकर नियमित रूप से पानी पीना चाहिए, बैठकर पानी पिए धीरे धीरे, उससे आपका रात भर का जो शरीर में बॉडी ने जो काम किया, डिटॉक्सिफाई किया, बॉडी का प्रोसेस होता है, लीवर रात को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, लंग्स डिटॉक्सिफाई करता है, ब्रेन डिटॉक्सिफाई करता है अपने आप को। तो लास्ट पिछले दिन जो जो चीजें आपके साथ हुई वो सब सबसाइड हो जाती हैं, बैलेंस आ जाता है उसमें। सुबह की आपकी शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए ताकि दिन भर आप अपने आप को स्ट्रोंग महसूस करें, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। तो सुबह पानी पीकर कुछ प्राणायाम के अभ्यास करें, जैसे मैंने बताया नाड़ी शोधन करें 5 मिनट। अगर आप सुबह नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन में अनुलोम विलोम सभी लोग जानते हैं, अनुलोम विलोम हालांकि हमारा शास्त्रोक्त प्राणायाम नहीं है, शास्त्रोक्त जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो नाड़ी शोधन जो हमारा शरीर नाड़ियों से बना है, पूरे शरीर में नाड़ियों का जाल है, उसे हम अगर हेल्दी रखते हैं, उस सिस्टम पर हम रोज सुबह काम कर लेते हैं 5 मिनट। करना कैसे नाड़ी शोधन, इसमें हम प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर अंगूठे के बेस में टच करेंगे, अपने राइट नोस्टल को स्पाइन को सीधा रखते हुए बंद करना है, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, श्वास को महसूस करेंगे, फिर श्वास को अंदर ही रोके और प्राण शक्ति को महसूस करें, अपने आप को जीवंत महसूस करें, अपनी जीवनी शक्ति को महसूस करें। जालक दर्पक हल्का सा चिप को गर्दन के कट कूप पर टच करते हुए और दूसरा इसमें एक बग लगाते हैं, मूल बंद एनस भाग को ऊपर की ओर से कुचित करते हैं, फिर धीरे से राइट नोस्टल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर राइट से श्वास लेते हैं, राइट से श्वास भरा जी, फिर से बंद लगाया जी, और लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दिया जी। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है जी, इसको 5 रोज करें जी। डॉक्टर कृति, मान लीजिए आप किसी फिजिकल अब्यूज के विक्टिम रहे हैं काफ़ी सालों तक, इस तरह की चीज़ और इस तरह का गुस्सा
आपको एक बहुत ही अलग तरीके का इंसान बना सकती है। मैं स्पेसिफिकली फिजिकल अब्यूज़ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस तरह के केसेस में माफ़ी देना किसी शख्स को जिसने आपको इतने सालों तक तो प्रताड़ित किया है बहुत मुश्किल हो सकता है। या किसी ऐसी चीज़ से आप गुजरे हैं जहाँ पर आपको एक इमोशनल लॉस हुआ है किसी शख्स की वजह से, ये केसेस एक ट्रॉमा के केसेस होते हैं और यहाँ पर माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, आपको अपने आप पर काबू पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ माफ़ी एक एस्पेक्ट है लेकिन उससे पहले जो नफ़रत है आपके अंदर एक इंसान को लेकर, एक शख्स को लेकर, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये केसेस कितने जटिल हैं और इन केसेस में माफ़ी कैसे दी जा सकती है? मैंने बहुत फिजिकल अब्यूज या इमोशनल अब्यूज वाले केसेस देखे हैं विच टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब किसी के साथ फिजिकल अब्यूज या इमोशनल अब्यूज हुआ होता है तो अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना। कभी कभार हमने देखा है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द फीलिंग्स होती है, सबसे पहली फीलिंग कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, एक गिल्ट वाली फीलिंग कि हो सकता है मेरी वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल अब्यूज किसी अपने ने नहीं किया होता है एंड द पेशेंट गोज एंड टेल्स इट टू द नियर एंड डियर वंस या फैमिली मेंबर्स, यूजुअली मदर, एंड मदर ने कभी कभार बिकॉज ऑफ अदर पर्सनल और फैमिली प्रेशर्स उसका साथ नहीं दिया होता है, उसे नहीं समझा होता है, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए अपने फीलिंग्स को ही आइडेंटिफाई करना। तो उसी में बहुत टाइम लग जाता है कि पेशेंट अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करे कि वो किस किस चीज में हीलिंग चाहिए, वो कौन सी फीलिंग हटाना चाहता है और आप किसको माफ करना चाहते हो। माफी देना इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो इंसिडेंट भूल जाओ या आप दोबारा उनसे बात करने लग जाओ या आप ऐसा सोचो कि कभी ऐसा जिंदगी में हुआ ही। माफी देना एक प्रोसेस है जिससे आप अपने से पीस में आ जाते हैं, आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि जिंदगी में ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, या वो जो गुस्सा, वो नफरत, वो जो बार 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 याद आने वाली जो फीलिंग है और एंजाइटी वाली फीलिंग है या डिप्रेस करने वाली फीलिंग है, उससे छुटकारा पाना बेसिकली वो फॉरगिवनेस है कि आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप उस एक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो जो आपके साथ कभी हुआ और जिसने आपको इतनी चोट पहुंचाई है, आप उस एक्ट के आगे सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि अपनी जिंदगी में आप और क्या कर सकते हो कि आप इमोशनली और आगे बढ़ो या करियर वाइज आगे बढ़ो या स्पिरिचुअली एंड फिजिकली आप आगे बढ़ो, वो सारी चीजों को हम फॉरगिवनेस नहीं कहते हैं। हम फॉरगिवनेस सिर्फ एक उस इंसान को नहीं कहते कि जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, इट इज अ होल इवेंट विच नीड्स टू बी जिससे आप मूव ऑन कर सकते हैं, उसको हम बेसिकली फॉरगिवनेस कहते हैं। कभी कभार ये बहुत लंबा टाइम लेती है एंड इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ फिजिकल और इमोशनल अब्यूज, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से या एक काउंसलर से एडवाइस लेना या थेरेपी लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब वो अपनी ही फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके और उससे मूव ऑन होने में उनको आसानी हो कि वो अपने लाइफ पे फोकस कर सके। प्रीति, अभी हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में आपको इंश्योर करनी चाहिए कि आप कभी वो माफ़ी देने या किसी को माफ़ करने की स्टेज तक पहुँचे ही नहीं। किस तरह का इंसान आपको बन जाना चाहिए या किस तरह से आपको जीना चाहिए ताकि किसी से आपको माफ़ी की उम्मीद रखनी ही ना पड़े, कैसा इंसान बना जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम हैं बेसिकली हमारे जिंदगी को देखने का नजरिया हमें बदलना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले चीज, जो भी कोई भी सिचुएशन हमारे आसपास हो रही है, सबसे पहले हम उसे अपनी नजरों से देखते हैं, फिर उसको अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। सो द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। दिस इज द सीट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इसके बाद हमारे ब्रेन का सेंट्रल पार्ट आता है, यहाँ पे किसी जगह पे, यहाँ अगर आप कुछ
एक सुई या कुछ लंबा सा स्केल अपने कान में घुसाएंगे तो बिल्कुल जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। तो लिम्बिक ब्रेन इज अ सीट ऑफ इमोशंस, यहाँ पे हर तरह के इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनएबिलिटी टू फॉरगिव, एबिलिटी टू फॉरगिव, अराउजल, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस आर फेल्ट इन द लिम्बिक ब्रेन। At the seat of our brain is something called the reptilian brain. Reptilian brain is responsible for our bodily reactions. Iska matlab paseena aana, blood pressure badhna, heart rate badhna, you know, all of these are bodily functions. So kya hota hai? Main aapko ek example deti hoon. Agar aap ek movie dekhte hain, theek hai? Aapne movie mein kuch tanav jaisi cheez dekhi. ओके अभी आपके दिमाग को ये पता है कि ये जो आपने देखा है वो रियल नहीं है, बनावटी है, ये सारे जो सिचुएशंस जो क्रिएट किए हैं ये कैरेक्टर्स हैं, ये रियल पीपल नहीं है, रियल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, बट फिर भी आपके अंदर एक फीलिंग आती है, यू नो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग आती है। इससे क्या होता है, इमीडिएटली जो आपका रेप्टिलियन ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, हाँ मुझे ये महसूस हो रहा है, और वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो जब हम कॉन्स्टेंटली एक सिचुएशन तनाव, बिकॉज जब हम फॉरगिव नहीं कर पाते, दैट मीन्स हम एक कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेसफुल, एक तनाव जैसी सिचुएशन पे हैं, तो जो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन है वो कभी काम डाउन नहीं होता, वो एक रिलैक्स स्टेज पे नहीं आता, हमारा नर्वस सिस्टम जिसको मैंने बोला एक रिलैक्स और रेस्ट स्टेज में नहीं आता, वो कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट, वो हमेशा जैसे केवमैन होते थे उनके सिचुएशन में, स्ट्रेस क्या होता था, एक आदमी मतलब उसको एक एनिमल ने अटैक किया और उसको भागना है, ठीक है, या तो वो भागेगा या तो वो उसके साथ अटैक करेगा, उस जमाने का स्ट्रेस वो होता था। आज के जमाने के स्ट्रेसेस हैं, मुझे लगता है तीन चीजें, आर इनएबिलिटी टू डिसाइड इन लाइफ, क्योंकि हम बहुत इनडिसाइसिव हो गए हैं, दूसरी चीजें हैं कि हमारे पास खूब सारे डेडलाइंस हैं, तीसरी चीजें हैं रिलेशनशिप्स में तनाव। तो अब जब हम कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस होता है तो हमारा बॉडी इसको संभाल नहीं पाता है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं और हारे सारे बायोमार्कर्स आपके इफेक्ट होने लग जाते हैं। सो इट इज द वे टू इलनेस, यू नो, इज द पाथ टू इलनेस एंड सिकनेस, एंड समटाइम्स कैन ऑल्सो लीड टू डायर कॉन्सिक्वेंसेस। सो वॉट इज इट दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज of the way we perceive the world. हम ये सिर्फ हम कर सकते हैं, और ये कैसे आ सकता है, गुरुजी ने अभी बताया awareness, creating mindfulness, you know, having presence. अगर आज मेरे साथ किसी ने कुछ कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या मैंने उसे उस चीज को तभी महसूस किया, मैंने क्या उसको effectively communicate किया, क्योंकि आजकल की digital age में हमें अपनी भावनाओं के बारे में ना समझ है और ना हम उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी और को। मैं आपको आज जी एक बिल्कुल बहुत ही नहीं अच्छा, तो बिल्कुल नहीं, सवाल यहाँ पर फिर यही उठता है कृति, के क्यों हमें अपने आप से परिचय नहीं है, हम क्यों अपने आप को नहीं समझते हैं, हम क्यों अपने आप को नहीं जानते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी स्कूलिंग, हमारे एक्सपोजर, ये तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े करता है। क्यों हम अपनी परवरिश में इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, क्यों हम अपनी स्कूलिंग में इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, समाज को समझने की तमाम नसीहतें हमें दी जाती हैं, समझाइश दी जाती है, पढ़ाई लिखाई दी जाती है, लेकिन अपने अंदर झांकने को लेकर कोई तालीम नहीं है। दो चीजें होती है, एक होती है हमारा IQ, which is intelligence quotient, and second thing is EQ, emotional quotient. तो IQ के लिए पेरेंट्स हो गए या हमारी सोसाइटी होती है वेरी बॉदर्ड कि हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या वो स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हम कहीं ना कहीं EQ को भूल जाते हैं, दैट इज आर इमोशनल क्वेश्चन, हाउ वी डील विद पीपल, हाउ वी डील विद आर इमोशंस एज वेल एज अदर्स इमोशंस। तो कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत लैक करते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग जस्ट ऑन आवर करिकुलम। हर रोज मरे की जिंदगी, हमें किस तरीके से बिहेव करना है,
हम जब आपस में बात कर रहे हैं, हमें वो एम्पथी किस तरीके से रखना है, अपनी एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से रखना है कि हमें हर चीज में चोट कम पहुंचे, या हमें कैसे इमोशनल इंडिपेंडेंट होना है सो दैट हमें वो इतना हर्ट ना कर जाए कि जिससे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन या हमारे मानसिक हेल्थ को हमारे प्रॉब्लम हो। सो इमोशनल क्वोशेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक वी फॉरगेट वेन वी आर ग्रोइंग अप, या हम अपने बच्चों को देना भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करें अपने फीलिंग्स, हम किस तरीके से दूसरों के फीलिंग्स रिकॉग्नाइज करें, हम कैसे उनके जूते में फिट होकर देख सके कि हो सकता है कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि वो भी कोई मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जिसकी वजह से वो आपको हर्ट कर रहे हैं या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इमोशनल क्वोशेंट को भी डेवलप करना शुड बी एम इन द अपब्रिंगिंग विच इज यूजुअली नॉट। चलिए आखिर मैं आपसे बस यही जानना चाहेंगे कृति, आपसे ही चाहती हूँ ये सवाल पूछना कि कितनी जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि किसी को माफ़ नहीं करना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोड़ा है, और आपको अगर खुद ये आदत बनानी नहीं आती या ये आर्ट सीखना नहीं आता तो ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। मेरे ख्याल से अगर आप किसी को नहीं माफ कर पा रहे हो और वो आपको बहुत ज्यादा सता रहा है, इस हद तक आप उसको ओवरथिंक कर रहे हैं कि आप अपने सोशल लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स में वो गुस्सा या वो कड़वाहट ला रहे हैं, या आप नए रिलेशनशिप्स में, या आपको कभी कभार ये लगने लग गया है भगवान से विश्वास उठ गया है, या ये लगने लग गया है कि गिल्ट फीलिंग आने लग गई है और आप हमेशा उस चीज के बारे सोचते रह रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आई फील दैट यू शुड टेक द हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। बिकॉज कभी कभार हमें नहीं समझ आता कि हम अपने फीलिंग्स से किस तरीके से बाहर निकले, हम उसी विशेष साइकिल में घूमते रह जाते हैं, हम वही सोचते लग जाते हैं एक के बाद एक उस इवेंट के बारे जैसे जैसे वो हुआ। बट अगर कहीं पे भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ओवरथिंकिंग हो रही है, या एनजाइटी जैसी दिक्कतें आ रही है, डिप्रेशन, लो मूड हो रहा है, नींद की दिक्कत आ रही है, आप बार बार उसी चीज को सोच रहे हो और आप अपने नए रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या वो कड़वाहट के साथ आप कोई भी रिलेशनशिप में इरिटेबल हो रहे हो, आपको गुस्सा ज्यादा आने लग गया है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, देन इट इज हाई टाइम दैट यू शुड गो टू अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड टेक सजेशन। चलिए, बहुत ज़रूरी है माफ़ कर देना ज़िंदगी में, और इसको कैसे अमल में लाना चाहिए इसके तमाम टिप्स दर्शकों को आज देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।